उड़द दाल की कचौड़ियाँ बनाने के लिए उड़द दाल 3-4 घंटे पहले भिगा दें और इसे पीस लें। यहाँ मैंने पीसने में 1 मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक इस्तेमाल किया है। इसे डाल के पीस लें। ये देखिए, ये पीसी हुई दाल है। और पैन को हल्का गर्म करें, उसमें थोड़ा तेल डालें और ये मैंने इसमें हींग डाला, जीरा, इसे हल्का फ्राई कर लें। अब जो उड़द दाल की पेस्ट थी उसे डाल के भून लें। भूनने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आएगी, थोड़ी हल्की कड़ी। और ये आटा मैंने गूंथ रखा है, नॉर्मल आटा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ये मैंने लोइयां काटी है, जितने बड़े आटे की लोइयां हैं उतनी ही बड़ी दाल की लोइयां हैं। अब ये आटे की लोइयों को थोड़ा फैलाकर दाल की लोइयां भर लें इसमें, और छोटी छोटी लोइयां बना लें। ये दाल मैं इसमें भर रही हूँ। हल्का प्रेस कर दे ताकि दाल इस हर तरफ फैल जाए। अब चकली और बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे बेल लें। ज्यादा बड़ा नहीं करें, या फिर अपने जिस स्वाद अनुसार आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा बेल लें। ये मैंने बेल लिया है। और यहाँ पर मैंने गरम कढ़ाइया तैयार कर ली थी, ये मैंने पूड़ियों को डाला इसमें। ये मैं दूसरी पूड़ियाँ डाल रही हूँ। एक तरफ सिक जाने के बाद दूसरी तरफ पलट दें और हल्का दबा दें ताकि ये फूल जाएं पूड़ियाँ। ये कचौड़ियाँ तैयार हैं, आप इसे चटनी अचार के साथ खा सकते हैं, उड़द दाल की कचौड़ियाँ।